डेफिनेशन ऑफ रेट लिखे साथ, डेफिनेशन ऑफ रेट। रेट और स्पीड हमारे लिए सेम ही है, रेट वेलोसिटी स्पीड, ये तीनों वर्ड एक ही जाते हैं हमारे लिए। क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। द कन्वर्जन ऑफ अमाउंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट इन यूनिट अमाउंट, सॉरी यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। तो आप मेरे को बताइए, कन्वर्जन हो रहा है आपके पास पर यूनिट में, तो डिफरेंस लिया जाएगा। तो डिफरेंस आपके पास क्या हो सकता है? अमाउंट अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे लिए रहेगा। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी रेट की? ये अमाउंट आप किस में ले सकते हो? मास में, तो ग्राम पर सेकेंड, या फिर किस में ले सकते हो? प्रेशर में, प्रेशर पर यानी एटीएम पर सेकेंड, या किस में ले सकते हो आप? वॉल्यूम में, वॉल्यूम में भी लिया जा सकता है, तो लीटर पर सेकेंड। मोल में ले सकते हो, मोल पर सेकेंड। कंसंट्रेशन में ले सकते हो, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आईयूपीएसी स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा किसका लिए फेवर कर रहा है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा पूरा चैप्टर मोल पर लीटर पर सेकेंड में रेट को फॉलो करेगा, लेकिन कन्वर्जन भी तो मालूम होना चाहिए। अगर एक में दिया जाए तो दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या कन्वर्ट कर सकते हो आप? कर सकते हो। मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइडेड बाय मोलर मास, और डिवाइडेड बाय मोलर मास को वॉल्यूम का डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर दोगे? लीटर में। इज दैट क्लियर? प्रेशर को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज करके, ठीक है ना? तो वो तो टेम्परेचर क्या दिया है वो आप कर सकते हैं, तो पी की जगह क्या लग दोगे? एन आर टी बाय वी, तो एन बाय वी तो ये हो ही गया, तो बाकी आप खुद करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। नहीं है तो मैं थोड़े से एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है ना? तो हम कुछ एग्जाम्पल तो करते हैं। चलिए एग्जाम्पल, अगर किसी की रेट दी गई है 10 रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, मैंने ले लिया पीसीएल 5, रिएक्शन दे रखी है पीसीएल 5 पीसीएल 3 प्लस सीएल 2, इस 2 एटीएम, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 एटीएम पर सेकेंड, ये दे रखी है। तो इसको अलग अलग यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने पहले पूछा एट टेम्परेचर क्या है? 300 डिग्री केल्विन, 300 केल्विन बस। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो आपको आप ये यूनिट दे रखा है प्रेशर, सही है ना? एक मिनट मैं आपके साथ हूं। तो आर आपके पास दे रखा है, एक काम करो, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। फाइंड क्या करना है? फाइंड रेट इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सॉल्यूशंस आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको मालूम है पीवी इक्वल टू एनआरटी में आएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बाई वी आर टी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर टी। बोलो यस और नो, हाँ या ना? तो आपने क्या कर दिया? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आर टी। कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? डेल्टा P बाई डेल्टा T की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 3,
आरसी की वैल्यू निकालनी है। आरसी क्यों बोलेंगे, रेट सी। आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300। तो आरसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10⁻³ अपॉन 24.63। सही है, आरसी हो गया। आरसी का मतलब, सी का मतलब कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, उतार लीजिए। नहीं, किसी भी कन्वर्ट को करना बड़ी बात नहीं है। मोल में चेंज कर दिया, मोल को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो इसको, PCl5 का मोलर मास ग्राम पर। तो ये तरीका है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट ही करना था आपको, RT से मल्टीप्लाई करना था। बच्चा यहां गलती कर जाता है, मल्टी क्या डिवाइड करना था, आरसी में कन्वर्ट करने के लिए दिक्कत ही आ जाती है बच्चे को ऑन द स्पॉट तेजी से करने में, कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है बस। तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो अपने आप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर पीसी दिया है, सॉरी आरपी दिया है, ये एक तरह से क्या है, आरपी है, रेट इन प्रेशर, और आरसी पूछ रहा है तो आरटी का डिवाइड होगा। आरसी दिया है और आरपी पूछा है तो आरटी का मल्टीप्लाई होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैंने समझा ही दिया आपको सॉल्यूशंस। बोलो यस और नो, क्लियर है? तो एक तरह से इस डेरिवेशन से आपने छोटा से दो पॉइंट्स लिख लिए, नहीं लिखे तो फटाफट लिख लो। आरपी इक्वल टू आरसी मल्टीप्लाई बाय आरटी, टी टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, आरसी रेट इन मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आरपी रेट इन एटीएम पर सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत आई समझने में? यस और नो? नहीं है ना, तो होती नहीं है चैप्टर में। लिखें ये, और एक बार अगर आपके पास आरसी आ जाएगा, आरसी का मतलब, सी का मतलब कंसंट्रेशन, और अगर आप इसको मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर मास। यानी यहां पर रेट इन मोल पर लीटर पर सेकेंड और यहां रेट इन ग्राम पर सेकेंड। तो अगर आपको आरपी को आरएम में चेंज करना है तो पहले आरसी में चेंज करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, फिर आप उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल स्टेप क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, ये सब गुरु मंत्र के अंदर आते हैं। लिख लो इसको, हेडिंग डलेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेट, क्लासिफिकेशंस ऑफ रेट। कैसे सोचना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रेट, ध्यान से सोचते हैं। मतलब हमने अभी रेट पढ़ा है, अलग अलग उसकी यूनिट में जरूर पढ़ा है लेकिन एक डेफिनेशन में ही। तो दो तरह की हमारे पास रेट होती है, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज, एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस। मुझे रेट का दो तरह से क्लासिफिकेशन करा, बेसिक सा एग्जांपल कहा गया कि आप यहां से घर तक रेस लगाइए कितनी देर में आते हैं। मैंने कहा 3 किलोमीटर है, शुरुआत में मैं बहुत तेज दौड़ा, फिर थोड़ा धीरे हुआ, फिर तेज हुआ। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी एवरेज रेट क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है? तो वो तो कहलाती है एवरेज रेट, यानी कि किस पे डिफाइन होती है, टोटल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि एवरेज रेट की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड,
पीरियड का मतलब टाइम, बहुत बड़े टाइम के लिए डिफाइन होगी, तो हम इसको एवरेज बोलेंगे। और आर एवरेज की वैल्यू हो जाएगी इस जगह डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी पूरा कन्वर्जन जिस टाइम पीरियड है बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे कहा कि आप जब दौड़ रहे थे तो आपने जब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कर ली थी उस समय आपकी रेट क्या थी, या 1.1 कर ली थी उस समय आपकी क्या थी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है। ये पॉइंट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, पोजीशन के जो अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां होगी इट इज डिफाइन डिफाइन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर ए पॉइंट, ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे डिफाइन करना पड़ेगा। और इस जगह हमारे लिए आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी की लिमिट क्या होगी, बहुत कम। तो जब डेल्टा टी की बहुत कम होती है तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, डीसी बाय डीटी। तो ये डीसी बाय डीटी और ये डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ग्राफ्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, हर चीज ग्राफ से समझना आसान होता है। रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग कम होता चला जाता है, शुरुआत में टी इक्वल टू 0, यहाँ टाइम है और यहाँ टाइम दे रखा है आपको टी इक्वल टू 10 मिनट, सही है। इस जगह कंसंट्रेशंस आपको जो दी गई है वो सी नोट कहला रही है, मान लीजिए वो 10 m है, कैपिटल एम, 10 मोल पर लीटर को कैपिटल एम करते हैं, और यहाँ 1 m है सी टी। तो मुझे किसी ने कहा आर एवरेज क्या है, मैंने बहुत आसानी से कह दिया, मॉड में हमेशा बताई जाएगी ये डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, अभी तो शुरुआत में तो हम मोड में ही बताते हैं। कितने का डिफरेंस हुआ, 9, और कितनी देर का हुआ, 10, यानी 0.9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बता सकते हो आप कितना डिफरेंस है, 10 और 1 का डिफरेंस कितना है, 9, और समय में कितना हुआ, 10 और 0, 10 सेकेंड में या मिनट में, मिनट में, तो यहाँ सेकेंड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, मिनट। सो इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंस्टेंटेनियस बताने के लिए मुझे ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट में बताना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, थीटा लेना पड़ेगा और टेन थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और यही हो जाएगा हमारे लिए डीसी बाय डीटी, और यही हमारे लिए हो जाएगा आर इंस्टेंटेनियस। यानी इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसको ग्राफिकल ही कर पाओगे, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींच के आप बना पाओगे। तो जरूरत कहाँ आ रही है इस पे न्यूमेरिकल बनाने की, कौन ग्राफ बनाएगा, नहीं तो जब भी न्यूमेरिकल बनेगा बेसिक्स वो किस पे बनेगा, इस पे। इसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, इस जगह टाइम और इस जगह कंसंट्रेशन, सॉरी इस जगह कंसंट्रेशन और इस जगह टाइम चलेगा, बस खत्म बात। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए न्यूमेरिकल बनेगा तो ये वाला यूज करना है, और ये वाले तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही अच्छे हैं, इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक, हिंदी में इंस्टेंटेनियस को बोलते हैं ताक्षणिक, यानी कि उसी समय बताओ, और इसको बोलते हैं एवरेज को औसत। तो हम किसको पढ़ने वाले हैं अभी कुछ देर के लिए, तो एवरेज, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो एवरेज रेट क्या रहेगी वो पूछ रहा है, तो करें पहले ये उतार लो आप। एक और पॉइंट था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू से चालू होगी और एक जीरो की तरफ जाएगी, रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे और हाई वैल्यू की तरफ मूव करेंगे, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, साइन ऑफ रेट, साइन ऑफ रेट, हेडिंग डाल लीजिए साइन ऑफ रेट फास्ट। चलिए ठीक है, तो हम वापस पकड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, साइन ऑफ रेट।
साइन ऑफ रेट, दिक्कत क्या है कि मैं अभी तक तो मोड में लेके काम चला रहा था, लेकिन क्यों ले रहा था, मेरी क्या मजबूरी थी, क्योंकि मैं हमेशा रेट को क्या चाहता हूँ, पॉजिटिव। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्ट एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर सेकंड पॉइंट फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट के लिए रेट क्या होगी, आप ही सोचो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, तो डेल्टा सी क्या होगा, नेगेटिव, तो आगे क्या लगा दो आप, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे लिए हो जाएगी डेल्टा सी फॉर बाय डेल्टा टी फॉर रिएक्टेंट, समझ में आ रहा है, क्योंकि डेल्टा सी अपने आप में इन इट सेल्फ, डेल्टा सी इन इट सेल्फ इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इस रेट को क्या नाम देंगे हम, इस जगह रेट ऑफ रिएक्टेंट का नाम क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो अपन डिसअपियर रेट ही बोलेंगे, नाम में ही डिसअपियर डाल देंगे, डिसअपियर रेट, या आपने सही बोला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। या माइनस डीसी बाय डीटी अगर इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं, क्योंकि जो साइन डीसी का डेल्टा सी का होगा वही डीसी का होगा, डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। थर्ड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए रेट जो होगी वो क्या होगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। आपको क्या लगता है डेल्टा सी क्या होगा अपने आप में, पॉजिटिव, बढ़ेगा टाइम के साथ, तो जब बढ़ेगा तो आपको आगे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या लगाओगे आप, कुछ मत लगाओ, प्लस ही रहने दो, तो रेट क्या हो जाएगी आपके लिए, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी या डीसी बाय डीटी। और इस डेल्टा सी इस जगह क्या है, इन इट सेल्फ पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, रेट को हम यहां पर रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस। तो ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट, आ गई बात समझ में। अब रिलेशंस पढ़ना है हमें रिएक्टेंट्स की रेट में, तो करें अपन, हटा दूं मैं ये टॉपिक, लिखो हेडिंग रेट रिलेशंस, लो रेट रिलेशंस, लो रेट रिलेशंस, लो आपको एक रिएक्टेंट की दूसरे रिएक्टेंट में रेट को इंडिकेट करेगा, हटा दिया जाइए। रेट रिलेशंस शो, आप मुझे बताएं कोई रिएक्शन है ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी और रिएक्शन हो गई सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी, हो रही है बात सही है। पहली बात बताएं, इसके अगर ए मोल कंज्यूम होते हैं तो इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, बी मोल, या सुनो, और इसके कितने मोल होंगे, कितने मोल बनेंगे, सी मोल, और इसके कितने बनेंगे, डी मोल, इसके फॉर्म होंगे,
और इनके कंज्यूम होंगे सेम टाइम में, डेल्टा टी सबके लिए क्या रहेगा सेम। तो ऐसा हो सकता है कि इसके ए मोल कंज्यूम हो और इसके कुछ भी नहीं बने, नहीं हो सकता, या इसके ए मोल कंज्यूम हो इसके कोई मोल कंज्यूम नहीं हो इसके सी बन जाए, नहीं है पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है इसके ए मोल कंज्यूम हो इसके बी मोल कंज्यूम हो इसके सी बन जाए लेकिन इसके बने ही नहीं, नहीं हो सकता, इसके भी डी बनने जरूरी है क्योंकि रिएक्शन इसी तरह से मेंटेन होती है, आ रही है बात। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि क्या हमारी रिएक्शन होती है। लेकिन अगर इसके ए मोल में ए का ही डिवाइड कर दिया जाए, इसके बनने वाले मोल में बी का ही डिवाइड कर दिया जाए, इसकी रेट में सी का ही डिवाइड कर दिया जाए, इसकी रेट में डी का ही डिवाइड रेट कर दिया जाए, तो वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, सेम आएगी। तो इसकी जो भी रेट है आर ए, उसमें ए का डिवाइड कर दिया जाए, आर बी में बी का डिवाइड कर दिया जाए, आर सी में सी का डिवाइड कर दिया जाए और आर डी में डी का डिवाइड कर दिया जाए, तो ये वैल्यू बराबर होगी या नहीं होगी, बराबर होगी, और यही रेट लो हो जाएगा। यदि आपको किसी भी एक की रेट दे दी जाए तो बाकी तीन की निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। इज दैट क्लियर? लेकिन एक और पॉइंट हमारे सामने यहां पर डिस्कस करना जरूरी है कि अगर आर ए इंस्टेंटेनियस होगी तो बाकी भी इंस्टेंटेनियस निकलेगी, अगर एक एवरेज है तो बाकी भी एवरेज निकलेगी। समझ में आ गया? तो यहां दो केस और बनेंगे हमारे, और कोई खास बात नहीं है, एक की भी रिएक्टेंट दे दी जाए, जिस यूनिट में ये दिया जाएगा उसी यूनिट में दूसरी भी बनेगी। क्या इस पे बहस करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आर ए आर बी अगर एवरेज दे दिए जाए, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल एवरेज में ही होते हैं, तो कैसे लिखोगे, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी वन बाई ए, यानी ए का डिवाइड करना है। एक और चीज, क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए कंज्यूम है तो माइनस लगेगा, माइनस वन बाय बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, बी का डिवाइड कर दिया। हां अब ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, हैं? क्या यहां पर भी माइनस लगेगा? नहीं, ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की रेट पॉजिटिव होती है, डेल्टा सी पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव होती है, रेट तो इसकी भी पॉजिटिव है, डेल्टा सी नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव लगा दो पॉजिटिव हो गया। ये वैल्यू अपने आप में क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ये वैल्यू। और वन बाई सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ये पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं तो बराबर ही नहीं होते आपस में। कुछ कुछ समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारे पास 10, या आप एक इंस्टेंटेनियस होती, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखते हैं आप, डी डी कैपिटल बी, कैपिटल ब्रैकेट में क्या बताता है ये, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, ये दिमाग में रखेंगे, लिख देना नहीं तो, कैपिटल ब्रैकेट बनाता है इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन है, किसका, बी का मतलब बी की कंसंट्रेशन, ए का मतलब ए की कंसंट्रेशन, सी का मतलब सी की कंसंट्रेशन, क्या समझ में आ गया आपको, बोलो यस और नो, आसान है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशंस ऑफ सी इन मोल पर लीटर, आप निकाल सकते हो मोल पर लीटर, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस। हाँ बोलो, इन दोनों में यहां डी लिखना था, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एवरेज है ये इंस्टेंटेनियस है, यानी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर है, ये पूरी रिएक्शन में, तो जनरली न्यूमेरिकल बनेगा तो इस पे बनेगा क्योंकि ग्राफिकल तो बनाने से रहे आप,
स्लोप बना के निकालोगे क्या? नहीं ना, तो यही आपके काम आ रहा है। तो डिफरेंस भी हो गया और एप्लीकेशन भी हो गई। आ गई बात समझ में? मेरे पास यहां दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी तैयार है। देखो यहां दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मेरे को एक की रेट दे रखी है, दूसरे की रेट पूछी जा रही थी, मैंने बहुत प्यारे से ये रिलेशन लगाया और काम चला लिया, लेकिन एग्जामिनर को मेरी कमी मालूम पड़ गई। उसने कहा ये बंदा मोल पर लीटर में तो बहुत तेजी से रिलेशन लगा देता है, एटीएम में भी लगा लेता है, लेकिन ये मास में लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा? यानी एक की रेट ग्राम में दे दी और दूसरे की रेट ग्राम में पूछ ली, तो क्या करूंगा मैं? टिंग 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 टिंग, पक्का? तो मैं क्या करूंगा वो मैं ही जानता हूं। मैं दो मेथड यूज करता हूं, एक जो बच्चों को समझाया जाता है और एक जो मैं यूज करता हूं। तो आप बताओ आपको कौन सा पढ़ना है? जो मैं यूज करता हूं वो? दोनों एक ही बताऊंगा, तो फिर वो वाला मेरा वाला, ये इजी भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, मैं रिएक्शन देखता हूं, अगर ये कब लगता है? व्हेन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस गिवन एंड आस्किंग इन ग्राम पर सेकेंड, यानी ग्राम पर सेकेंड या मिनट, तो मैं ये यूज करूंगा। अगर ग्राम में दिया हो मोल में पूछ रहा हो, या मोल में दिया हो ग्राम में दिया हो पूछ रहा है, तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा उस वक्त एक को और दूसरे में निकाल लूंगा, बोलो यस और नो। लेकिन डायरेक्ट ग्राम से ग्राम में ही पूछा जा, तो मैं क्या करूंगा? मैं बताता हूं, मैं बताऊंगा। उसके लिए मैं ऐसे सोचता हूं, फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्राइस एन एच थ्री। मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा, यूनिटरी मेथड समझ गए? वहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर रहे थे, यहां मास का डिवाइड करोगे। कितना है? 28 ग्राम कितने से करेंगे? 6 ग्राम से। समझ में आई बात? 28 ग्राम किससे कर रहा है? 6 ग्राम में। बोलो हाँ समझ में आई। तो इसमें कितने का डिवाइड करेंगे? 28 का, और इसमें कितने का डिवाइड करेंगे? 6 का। समझ में आ गई बात? तो बताओ अगर 28 का डिवाइड कर दिया जाए, इसमें 6 का डिवाइड कर दिया जाए, तो 1 आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो रेट इन मास डिवाइडेड बाय सीधा 28। अब स्ट्रेचोमेट्रिक को मत देखो, रेट इन मास डिवाइडेड बाय 6। ये किसके लिए? एन टू। और ये किसके लिए? एच टू। इसका एक मोल इसके 3 मोल से करता था, तब मोल का डिवाइड करते थे। जब इसका मास दे रखा है 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम से करेगा। कितना दिया गया है, क्या रेट है, वो तो यहां रखेंगे अपन। तो बोलो वही कंसेप्ट लगाया, बस मास में लगा दिया मैंने, काम हुआ या नहीं हुआ? तो अगर इसमें 28 ही डिवाइड कर दिया जाए, इसमें 6 डिवाइड कर दिया जाए, और उसमें 34 का डिवाइड कर दिया जाए, 17 2 34, तो बराबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जय माता दी। ठीक है, तो बोलो कुछ कुछ समझ में आ गया, सब कुछ अच्छे से? तो हम दोनों ही तरह के पॉइंट्स पे, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में तो है हम, एक 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 एग्जाम्पल हर पैटर्न पे कर लेते हैं। एग्जाम्पल इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्वाइस एन एच थ्री, द रेट ऑफ एन टू इज 2 मोल पर लीटर पर हावर, 2 मोल पर लीटर पर हावर, देन कैलकुलेट
फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया, देन कैलकुलेट डिसअपीयर रेट ऑफ एच टू एंड फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया। तो ये एग्जाम्पल चुटकियों का है। कीजिए आप, आर एन टू अपॉन आर ऑफ डिवाइडेड बाय वन, आर एच टू डिवाइडेड बाय थ्री, आर अमोनिया। डिवाइडेड बाय टू, मुझे क्या निकालना है, आर एच टू, थ्री मल्टीप्लाई बाय आर एन टू, मुझे क्या निकालना है, आर एन एच थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय आर एन टू, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू यानी सिक्स, यानी फोर यूनिट वही बनेगी मोल पर लीटर पर हावर। कुछ समझ में आया, टफ लग रहा है? नहीं। अब क्वेश्चन चेंज, सेम क्वेश्चन देता हूं मैं, क्योंकि मेरे को लिखने का टाइम बचता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिस द रेट ऑफ एन टू इज 2 ग्राम पर हावर। वॉल्यूम हटा दिया तो सब जगह हटा दूंगा, 2 ग्राम पर हावर। देन कैलकुलेट डिसअपीयर रेट ऑफ एच टू एंड फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ अमोनिया इन ग्राम पर हावर में ही पूछा जा रहा है, ग्राम पर हावर में ही पूछा जा रहा है, हावर में दिया हुआ है। क्या करोगे आप, रिएक्शन लिखोगे एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्राइस एन एच थ्री बाय एस एल रूल। एस एल का मतलब सुनील लखोटिया, आर एन टू डिवाइडेड बाय 28, आर एच टू डिवाइडेड बाय 6, आर अमोनिया पहले देख लो सामने फिर लिख लेना 34, 17 दुए 34, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर चीज अब किसमें चलेगी, ग्राम पर सेकेंड या मिनट, हावर जो भी दिया जाए, हावर दिया है, हावर में चलने दो। या तो सारी चीज चलेगी ग्राम पर लीटर पर हावर, या ग्राम पर हावर में चलने दो, क्लोज कंटेनर वॉल्यूम सबके लिए सेम ही रहेगा। बोलो कुछ समझ में आया? अब मैं क्या करूं, क्या दिया हुआ है मेरे को, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, आर एच टू कितना दिया है मेरे को, 2। तो ये चीज आर एन टू दिया है, क्या दिया है मेरे को, एन टू, आर एन टू दिया है, तो टू ये मेरे पास दिया है, 2 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया जाए, अच्छा लगेगा आपको, बोलो अच्छा लगेगा, आ गया आंसर। और आर अमोनिया कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 34 ग्राम पर हावर, सेम यूनिट ग्राम पर हावर। बोलो समझ में आया ना, खत्म, ग्राम पर हावर, ग्राम पर हावर। इजी है या टफ है, इजी और वेरी इजी, वेरी इजी। जब ग्राम में दिया है तो सब जगह मास का डिवाइड होगा, टोटल रिएक्शन में जो यूज हो रहा है 28, इसके अंदर क्या होगा, मोलर मास को स्टोइकोमेट्री से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका डिवाइड करते चले जाओ पूरा। हाँ, 28 एक मोल का कितना है, 2, तो 3 मोल का कितना हुआ, 6, एक मोल का कितना है, 17, तो 2 मोल का कितना है, 34, पूरा डिवाइड करते जाओ और कुछ भी नहीं। और जब मोल में दिया हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ स्टोइकोमेट्री का डिवाइड करते जाओ, इजी और वेरी इजी, वेरी इजी। पकड़ लिया, हाँ या ना, प्रैक्टिस करें। और तो एक नोट लिखते हैं, नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट हमारे लिए,
बात अगर मोल की चल रही हो, मोल यानी रेट गीवन है, मोल पर लीटर पर सेकंड में चल रही है रेट, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, रिएजेंट विच हैविंग बिग वैल्यू, नहीं विच हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रेट, रेट की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, हाई। समझ में आ रहा है? तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है थ्राइस ए प्लस फोर बी कन्वर्ट टू सी प्लस फाइव डी, रेट कंपेयर करना है, कंपेयर रेट ऑफ आर ए आर बी आर सी एंड आर डी इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल में ही चल रहा है हमारा कंसेप्ट, सही है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका कॉफिशियंट सबसे ज्यादा है, तो आप ही बताएं आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, आर डी, फिर बी बॉम्बे, फिर आगरा और फिर सी चेन्नई। तो आप दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, चेन्नई, खत्म बात। तो कुछ कुछ समझ में आया, ये है हमारा कंसेप्ट दस। और अगर बात ग्राम पर में चल रही है, ग्राम पर लीटर पर सेकंड में चल रही है, तो फिर आपको मास से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये अलग नोट है, जिसका मास ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ अच्छी सी एग्जाम्पल लेता हूं, फोर एक और एग्जाम्पल, लेकिन उसमें ये ट्रिक नहीं लगेगी। फोर एन एच थ्री प्लस फाइव ओ टू कन्वर्ट फोर एन ओ प्लस सिक्स एच टू, सेम कंपेयर रेट ऑफ आर ए कॉमा आर बी कॉमा आर सी एंड आर डी। आर डी का मतलब क्या लिखना पड़ेगा, अब तो एन एच थ्री ओ टू एनओ और एच टू इन ग्राम पर लीटर पर हावर लिख दो, सेकेंड लिख दो, मिनट लिख दो, वो तो सबके लिए सेम रहेगा। तो कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन बाय एसएल मेथड यूज करना पड़ेगा। आप तो ये बताइए एक मोल का मास कितना होता है अमोनिया के लिए, 17, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 17 चौक 68, हाँ या ना, 68 आया यहां पर, यहां कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 पंजे 80, यहां कितना आ रहा है, 4 मोल ऑफ, ये 4 है ध्यान रखना, एनओ, एनओ का होता है 30, तो 4 3 12 120, और 6 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 6 108। तो अब बताइए सबसे बड़ा कॉफिशियंट किसका आएगा, एनओ का, क्या मेरे साथ है, हाँ या ना। तो सबसे बड़ी रेट किसकी होगी यहां पर, एनओ, फिर एच टू ओ, फिर वेरी गुड, और सबसे कम यस और नो। सबसे ज्यादा रेट अगर आएगी ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर पर सेकंड में, तो सबसे ज्यादा एनओ की, फिर एच टू की, फिर ओ टू की और अमोनिया की। और मोल पर लीटर में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आएगी एच टू ओ की, फिर ओ टू की, और इन दोनों की क्या आएगी, बराबर, सबसे कम आएगी, हाँ या ना।
क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज हो जाते हैं, और शायद इसी को कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। तो लिखें इसको, एक रिलेटेड टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और वो है रेट ऑफ रिएक्शंस। यानी हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो रेट ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या वर्क करती है, हेडिंग डाल लीजिए रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। ये क्या टर्म है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए हमें यूज करना पड़ रहा था गुलबर्ग एंड वॉगे रूल्स, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुइटेबल पावर ऑफ रिएक्टेंट। ये इसने कहा, यानी अगर कोई रिएक्शन है आपके पास ए मोल ऑफ ए और बी मोल ऑफ बी है, जो सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके पास आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी ए बी सुइटेबल पावर। यानी हमें नहीं मालूम, हम रैंडमली रख रहे हैं एन वन एन टू वैल्यू। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो रेट कांस्टेंट आएगा रिएक्शन का, ए एन वन और बी एन टू, ये हमारे पास आएगा रेट ऑफ रिएक्शंस। मुझे फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएजेंट, इनमें क्या डिफरेंस है या इनमें क्या रिलेशंस है, उस पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शंस जो भी आपके पास लिया जा रहा है वो कोई भी रेट ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट प्रोडक्ट और कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेचियोमेट्री कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ सेम रिएजेंट। ये हमारे पास रिएक्शन और रिलेशन में होता है। इसकी कोई फिजिबल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका होता है, रिएक्टेंट की रेट का। इसके लिए बस उससे कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास अगर 4NO+5O2, 4NH3, सॉरी यहां 4NH3 का मैंने कंबशन किया, 4NO+6H2O बन रहा है, तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 4। यानी इसका इंडिविजुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसका तो है, बोलो हाँ या ना। तो क्या आप जानते हो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, -ΔNH3/ΔT/4। क्या इसकी रेट डिफाइन हो सकती है रिएजेंट की, प्रैक्टिकली थियोरिटिकली हाँ, लेकिन ये सिर्फ थियोरिटिकल हो सकता है, कोई डाउट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा आपका, किसी भी रिएक्टेंट की रेट निकाल लो, प्रैक्टिकल करने जा रहे हो उसमें उसी का कॉफिशियंट डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। तो क्या ये किसी से भी निकाला जाए सेम आएगा, हाँ। यदि आप यहां से निकाल रहे हो, यानी O2 से निकाल रहे हो, ये 5O2 है, तो O2/5, तो भी आपका आंसर वही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है, तो यहां आपके पास -ΔO2/ΔT/5, यहां से निकाली रेट और यहां से निकाली रेट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, सेम, दोनों जगह सेम होगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट से रेट अलग आएगी, दूसरी रिएक्टेंट से अलग आएगी, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये की पॉइंट होगा आपके लिए, पहला तो ये। दूसरा की पॉइंट होगा रेट, रेट ऑफ रिएक्शंस बाय कैलकुलेट एनी रिएजेंट आर सेम, रेट विल बी सेम या हैविंग सेम वैल्यू, हैविंग सेम वैल्यू कैलकुलेट
बाय एनी वन सब्सटेंस, बाय एनी वन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से निकालो आपको रेट एक जैसी ही दिखेगी, हाँ या ना? निकाल रहे हैं आप? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें इससे पता चल रहा है कि कभी भी किसी भी रिएजेंट का रेट अगर आपको निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन आपको मालूम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्शन से, और रिएजेंट की मालूम है तो डिवाइड करना पड़ेगा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को। तो दोनों आपको आइडिया होना चाहिए किसका क्या निकालना है। और एक और चीज हमने जो पढ़ा है यहां पर, ये के रिएक्शन का होता है, कोई दिक्कत आपको? तो मैं आपको एक दो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिस पे हमेशा ध्यान रखना। हटा दिया जाए पहले, जल्दी से इसको लिखें। तो हमारा मेन पॉइंट क्या रहेगा रिएक्शन का, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ना है। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला, अगर कभी इस तरह से दी गई है, मैं वैल्यूज रख रहा हूं, ट्वाइस ए प्लस थ्री बी कंफर्म के रिएक्शंस, के यहां पर क्या है, रेट कांस्टेंट, फोर सी प्लस फाइव डी के रिएक्शंस, और आर यहां पर रिएक्शन है। मान लीजिए ये वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू वाई है, सही है? तो रिएक्शन के लिए आपको सब कुछ दिया गया है। तो मुझे पहले वैल्यू जो मेरे लिए आ रहे हैं एसएल कॉन्सेप्ट्स, यानी सुनील लखोटिया कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं, सबसे पहला तो ये कहता है कि के ए, वो के रिएक्शन था, के ए क्या होगा, टू ए, यानी आपको रिएक्शन से रिएजेंट पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इससे इसमें जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, के बी कितना हो जाएगा, थ्री एक्स, के सी कितना हो जाएगा, फोर एक्स, और के डी कितना हो जाएगा, फाइव एक्स। ऐसे ही आर ए कितना हो जाएगा, आर ए रेट ट्वाइस वाई, क्योंकि रिएक्शन की रेट को हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर बी कितना हो जाएगा, थ्राइस वाई, आर सी कितना हो जाएगा आपके पास, फोर वाई, और आर डी कितना हो जाएगा, फाइव वाई। आ रही है बात समझ में? तो जिस रिएक्टेंट का, जिस रिएजेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा है, उसका रेट एंड रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट, इन सिंपल वर्ड्स, रिएजेंट विच हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट, लिखें इसको। जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। रिएक्शंस कोई भी दे दिया आपको, एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्वाइस एन एच थ्री, तो ये एग्जाम्पल बन रहा है इन फॉलोइंग रिएक्शंस,
इन फॉलोइंग रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्राइस एन एच थ्री. इफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ एन टू कॉमा एच टू कॉमा अमोनिया आर के वन के टू एंड के थ्री, देन करेक्ट रिलेशंस बिटवीन देम ए ऑप्शंस. ए ऑप्शंस क्या रहेगा हमारे लिए, के वन इज इक्वल टू के टू इज इक्वल टू के थ्री. बी ऑप्शंस क्या रहेगा, के वन डिवाइडेड बाय वन, के टू डिवाइडेड बाय थ्री, के थ्री डिवाइडेड बाय टू. सी ऑप्शन क्या रहेगा, के वन डिवाइडेड बाय, के वन डिवाइडेड बाय सिक्स, के टू डिवाइडेड बाय थ्री, के थ्री डिवाइडेड बाय टू. और डी नन. नन की जगह मैं और ले सकता हूं, के वन थ्री के टू इज इक्वल टू टू के थ्री. तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है मैंने एक कंसेप्ट आपकी मदद करेगा, जिनका कॉफिशियंट ज्यादा स्टोइकोमेट्रिक उनका रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ज्यादा में ज्यादा की वैल्यू डिवाइड कर दो, यानी स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट डिवाइड कर दो तो सब वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर. तो आपको बाय एसएल कंसेप्ट आप यूज करो, के वन में किसका डिवाइड करा जाए, वन का, के टू में किसका डिवाइड किया जाए, थ्री का, और के थ्री में किसका डिवाइड किया जाए, टू का. तो ये बराबर आ जाएगा, तो वन थ्री टू आंसर गोज टू बॉम्बे. या तो ये आंसर होगा या क्या होगा, थ्री के वन इक्वल टू के टू, टू के वन इक्वल टू के थ्री. तो इस तरह से आपके रिलेशन बन जाएंगे. आ रही है बात समझ में, हो सकता है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चन यही है आंसर भी यही है, लैंग्वेज चेंज कर दे. लैंग्वेज कैसे चेंज करेगा, उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, लेकिन लैंग्वेज अलग दी है. उसने ये कहा, ध्यान से सुनना, उसने ये कहा कि इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, सेम क्वेश्चंस लिखें आप, तो इन द फॉलोइंग रिएक्शंस एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्राइस एन एच थ्री. इफ रेट आर फॉलोइंग्स, रेट ऑफ रिएजेंट आर फॉलोइंग आर, तो सबसे पहले उसने दिया माइनस डेल्टा एन टू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के वन एन टू एच टू पर एन वन एन टू. देखिए रेट डिपेंड तो इन्हीं पे करेगी, बस ये कांस्टेंट जो है ये कौन सा है, अब वही के वन रेस्पेक्ट टू दिस, इज दैट क्लियर. दूसरा उसने दिया माइनस डेल्टा एच टू बाय डेल्टा टी इक्वल टू के टू एन टू की पावर एन वन एच टू की पावर. ये वाली टर्म हमेशा सेम रहेगी, ध्यान रखना, सिर्फ कांस्टेंट अलग अलग चेंज होता है. कोई डाउट, यानी अगर ये 10 टाइम्स बढ़ती है तो ये भी 10 टाइम्स बढ़ेगी, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगी. तो डिफरेंस क्या रहेगा इनका रेट का रेशियो, हमेशा के वन रेट के टू में, जिसका के ज्यादा होगा उसका रेट भी ज्यादा होगा, और के किस रेशियो में रहता है, उनके कॉफिशियंट के रेशियो में. तो आपके लिए डेल्टा एच टू की जगह डेल्टा एन एच थ्री बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के थ्री एन टू की पावर एन वन और एच टू की पावर एन टू, ये हमेशा रहेगा. तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द व्हाट द नेमिंग ऑफ के वन के टू के थ्री, के वन के टू के थ्री की नेमिंग जो होगी वो होगी रेट कांस्टेंट रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, रेट रेट कांस्टेंट रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, रेट कांस्टेंट रेस्पेक्ट टू अमोनिया, पहली चीज. और करेक्ट रिलेशंस आर
तो पहला तो मेरे लिए हो जाएगा क्योंकि ये उन्हीं के रेट कांस्टेंट है, तो के वन अपॉन वन के टू, के वन अपॉन वन के टू अपॉन थ्री के थ्री अपॉन टू सेम होंगे, पहली चीज सही है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं के वन रेशियो के टू रेशियो के थ्री, तो उनके रेशियो किस रेशियो में होंगे, वन रेशियो थ्री रेशियो टू, सही है। ये दूसरा रिलेशन भी सही है, यानी आपका पहला आंसर भी सही है और दूसरा भी सही है अभी तक तो, और तीसरा भी सही होगा क्योंकि मैं देने वाला हूं आर वन रेशियो आर टू रेशियो आर थ्री, ये भी उसी रेशियो में रहेंगे, और चौथा भी सही होगा जो कि मैं लेने वाला हूं क्या लेने वाला हूं मैं, आर वन अपॉन वन आर टू अपॉन थ्री आर अमोनिया अपॉन टू, ये वैल्यू क्या होगी सेम, ये सारी वैल्यू क्या होगी सेम। कुछ कुछ समझ में आया, तो ये हमारे लिए सारा वैल्यू सेम हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक बेसिक रेट के लिए हमने फाइट मार ली, और इसी के अलावा हम ये भी कह सकते हैं ये आर वन आर टू आर थ्री किसका है, ये अमोनिया का ही है, इसका नाम आर वन इसका नाम आर टू इसका नाम आर थ्री। एक गलती हो रही है, यहां माइनस नहीं आएगा, यहां क्या आएगा प्लस, क्योंकि अमोनिया के लिए वो फॉर्मेशन होगा। और ये किसके इक्वल होगी, आर रिएक्शंस, क्योंकि आपने यही पढ़ा है कि किसी भी रेट के अंदर उसी का कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया जाए तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट कांस्टेंट में उसी के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिया जाए तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है। समझ में आ गई, तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत इजी हैं जो आपको अच्छे से पकड़नी है। तो मैं आपको इस पे ही एक और एग्जांपल दे रहा हूं, लिखिए। सेकंड, फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ ए, ए की जगह बी कर दीजिए, इन फॉलोइंग रिएक्शंस, रिएक्शंस ट्वाइस ए प्लस थ्री बी, ट्वाइस ए प्लस थ्री बी कन्वर्ट फोर सी प्लस डी, और के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। तो ये जो दिया जाता है कॉपी वो हमेशा रिएक्शन का होता है, रिएक्शन का होता है, और हमें जिस कॉफिशियंट का निकालना है, के किसका निकालना है बी, तो के रिएक्शंस मल्टीप्लाई क्या करेंगे स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशियंट, जब भी रिएक्शन का दिया जाए तो मल्टीप्लाई करना है, और रिएक्शन का पूछा जाए तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय कॉफिशियंट कितना है 3, यानी 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3, 6 × 10⁻³। इज दैट क्लियर, तो क्या आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अगर इसी के अंदर के सी पूछा जाता तो क्या आंसर होता, करें आगे, चलो ठीक लॉक कर दें। एक और एग्जांपल, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए इन फॉलोइंग रिएक्शंस
इज 3 × 10⁻⁴ यूनिट अभी हमें ज्यादा नहीं बता रहा। देन फाइंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड बी, दोनों का निकालना है। तो ये आ रहा है 6A + 3B कन्वर्ट 4C + D। अब बताइए आंसर क्या होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस दिया क्या है आपको, ए का या बी का, ए का। क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, 6 का। जोर से बोलो, आपको रिएक्शन का पूछा जा रहा है, ए का दिया गया है, जोर से बोलो। यहां के कांस्टेंट आएगा, रेट कांस्टेंट। डिवाइड किया जाए मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, लॉक कर दें, पक्का। किसी भी रिएक्शन में सबसे छोटा रेट कांस्टेंट होता है तो वो रिएक्शन का ही होता है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे आप, तो 1/6। तो 3 × 10⁻⁴/6, तो कितना हो, 5 × 10⁻⁵। हाँ या ना, कोई ज्यादा खास थोड़ी ना टफ है। और फिर उसके बाद आपको क्या पूछा जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस निकल चुका है आपका, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 15 × 10⁵। सही है, लिखो, पक्का, कोई डाउट नहीं है। यदि यहां पर रेट कांस्टेंट की जगह रेट दिया जाता तो पूछा भी रेट ही जाता, फिर सब चीजें रेट में चलती और कंसेप्ट यही चलता। कुछ कुछ समझ में आया, एक बार और समझाना है, लिखें इसको जल्दी से।